स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में स्टडी आईएएस एंड पीसीएस में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओल्ड पेपर सीरीज को कंप्लीट करना। तो आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का 2016 यानी कि 20 मार्च 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को 2 से 3 बार जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा रिपीट कर लेते हैं वीडियो को, तो फ्रेंड्स आपको ये पूरी तरीके से लर्न होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये सीरीज़ ए है, मैंने इस तरह से इसलिए दिखाया है आपको कि ये देखिए सीरीज़ ए है। आपको क्या कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसकी मतलब क्वेश्चन की जो आंसर शीट है वो किस तरीके की, तो चलिए हम इसे करते हैं जल्दी से कम्प्लीट। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। ठीक है, इसका जो मतलब ईंधन गैस के रूप में जो उपयोग में आती है उसका आंसर है मेथेन। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त होने वाली मेथेन CH4 गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। वस्तुतः बायोगैस मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का मिश्रण होती है, जिसका प्रमुख घटक जो है वो मेथेन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है जो कौन सी गैस ईंधन के गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो वो है मेथेन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं। तो इसके अंदर है आपका निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसमें हम देख लेंगे। ये देखिए इसमें होता है फास्फोरस 32, ये दिया गया है, ये रहा आपका सही वाला फास्फोरस 32, तो इसे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया एवं श्वेत रक्त की जांच एवं उपचार हेतु रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का थायराइड कैंसर के उपचार में, सोडियम 24 का रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम उपचार में तथा कोबाल्ट 60 का कैंसर ट्यूमर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में के उपचार में किया जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय पशु ठीक है चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, वो है बरेली में। तो भारतीय पशु यानी कि आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बरेली में यूपी के इज्जत नगर में स्थित है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1889 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, ठीक है, मिर्च के अंदर जो उसकी मतलब हम कहते हैं जो उसका स्पाइसी जो टेस्ट होता है, जो तीखापन होता है, वो होता है आपका कैप्सेइसिन की उपस्थिति से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद में आप देख लें इसका अशोक के, ये देखिए इसका नेक्स्ट इधर है, इसमें देखिए मिर्च की जो तीक्ष्णता है, तीखापन है, उसका कारण उसमें कैप्सेइसिन में जो पाया जाता है वो है एल्केलॉइड। ठीक है, ये केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे जानते होंगे, या फिर जो मतलब साइंस स्ट्रीम्स के बायो के हैं उन्हें भी ये कहीं ना कहीं पढ़ने में जरूर मिला होगा। ठीक है, इसकी उपस्थिति की वजह से ये होता है। मिर्च में कैप्सेइसिन की मात्रा के आधार पर उसके तीखेपन का यानी कि उसका जो टेस्ट का जो हम लोग कहते हैं तीखा है बहुत ज़्यादा, वो उसके ऊपर ही स्कोविले पैमाने पर किया जाता है मेजरमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए एक तो चावल है, दूध है, अंडा है, सोयाबीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि अनिवार्य जो अमीनो अम्ल उपस्थित है वो किसमें है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं आप उससे पढ़िएगा, और किसमें पाए जाते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो इसका है डी, दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री पर। ठीक है, ये जो है इसकी धुरी का जो हम लोग बात करते हैं झुकी हुई है, तो वो इस धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी दीर्घवर्ती है धुरी से लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। ध्रुवीय अक्ष का यह झुकाव पृथ्वी पर सौर विकिरणों या सूर्य ताप के चक्रीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मौसम चक्र श्रृंखला के कारण बनता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो हमें ज्ञात होता है
तेरहवें शिलालेख द्वारा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अशोक के तेरहवें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का विवरण होता है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, 261वें ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक, इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, अभी किसका है? तो ये है आपका दमदमा से। ओके, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए उत्खननों 1982 से 1987 के मध्य से 41 मानव शवाधान प्रकाश में आए थे, जिनमें 35 कब्रों में एकल शवाधान तथा 5 कब्रों में दो दो व्यक्तियों के अस्थि अवशेष थे, जबकि एक कब्र में एक साथ तीन मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद रखना इजी होता है क्योंकि कोई डिफरेंट न्यूज होती है। अगर इसे आप न्यूज़ की तरह से पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। एज अ इन्फॉर्मेशन याद करिए, दूसरों से शेयर करिए तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आए एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के बारे में तो आप आराम से दे पाएंगे, जिसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण एक पुरास्थल जो है उसका नाम है दमदमा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कराए गए जो एक्सकवेशन होता है उसमें 41 मानवों के जो शवाधान पाए गए थे उसमें 35 में तो एकल थे और 5 में दो दो थे और एक ही कब्र ऐसी थी जिसमें तीन थे। ठीक है, तो अब आपको दमदमा अच्छे से याद हो जाएगा। 9th को देख लेते हैं। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 10th वाले की। तो इसमें है विंध्य क्षेत्र के किस शिला श्रेय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है ना, तो इसके अंदर देख लेते हैं मानव कंकाल मिले हैं तो ये है आपका लेखिया, इसका आंसर हो जाएगा डी। विंध्य क्षेत्र के प्रश्नगत मध्य पाषाणिक पुरस्थलों में से लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश के सिर पश्चिमी दिशा में हैं। ठीक है, अब विंध्य क्षेत्र के जो किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वो हो जाएगा आपका लेखिया। ठीक है, जो कि विंध्य क्षेत्र के एरिया में पाए गए हैं, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें है पृथ्वीया, 11th में देखें तो पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी। ठीक है, कौन सी थी? तो वो थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, हरिषेण रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि प्रयुक्त हुई है। इसके बाद में 12th वाला विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसके संस्थापक के बारे में। इसके संस्थापक पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा धर्मपाल हैं, और आपको सही वाले ही उत्तरों को याद करना है और कंपैरेटिवली दूसरे आंसर्स को प्लीज़ मत पढ़िएगा, वरना कंफ्यूजन इसी से होता है और इसीलिए प्री हमारा जो है मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है केवल सही वालों को ही सुनिए, सही वालों को बार बार सुनिएगा, वीडियो देख सकते हैं आप कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हो जाएगा याद। अगर आप याद करेंगे सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो उससे आपको याद सही वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिहार के भागलपुर जिले में पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला विहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है, ये कराई थी 775 से 800 ईसा में। तो यह महाविहार 4 शताब्दियों से अधिक समय तक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा। ठीक है, तो अब आप लोगों को याद रहेगा ये। 13th में कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? ठीक है, नागलापुर की स्थापना जो है वो कृष्णदेव राय ने करी थी। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में नागलापुरा नामक नए नगर की स्थापना की थी। उसने हजारा एवं विठ्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था। 14th को देख लेते हैं। जहांगीर में मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो वो है आपका चित्रकला। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने हैरात के आका रिजा ने नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। उसके समय के प्रमुख चित्रकारों में उस्ताद मसूर, अबल हसन, फारूक बेग, दौलत मनोहर एवं बिशन दास शामिल थे।
गुलाम का गुलाम किसे कहा गया, ठीक है, गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, गुलाम का गुलाम संज्ञा इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी क्योंकि वह स्वयं गुलाम रहे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया दास रहा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलामवत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, ठीक है, हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, मुगल शासक थे तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि एक मुगल शासक ने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, ठीक है, लाला कलामवत से, तो वो कौन थे, तो उनका नाम देख लीजिए, फेमस है, अकबर हैं, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, मुगल सम्राट अकबर ने लाला कलामवत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करते हैं 17 की, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थित, ठीक है, वह स्थित था लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे में ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल, मतलब स्पेशलिटी जो होती थी वो जो पाई थी वो पाई थी लखनऊ में, तो यह है मुगल काल में लखनऊ स्थित फारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की थी। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 18 है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, किस वर्ष, ठीक है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में, तो सुल्तान बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो लड़ाई में पराजित किया था वो किया था 1526 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में को इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस युद्ध ने बाबर तुलगमा और ये जो युद्ध नीति है तो खाने का सफल जो इनका मतलब एक एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने किया था, तो यानी कि अभी आप सीधे सीधे याद रखिए, बाबर ने जो सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में जो पराजित किया था वो किया था 1526 में। उसके बाद में आ जाइए 19 पे, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, तो वो रहे 1820 से 1827 तक। अब ये जो थॉमस मुनरो हैं 1820 में मद्रास का गवर्नर इनको मतलब बनाया गया था और 1927 में कालरा के कारण अपनी मृत्यु तक इस पद पे रहे थे, मतलब तब तक पोस्ट पे रहे थे जब उनकी कालरा की वजह से बीमारी हुई, तब वहाँ से दूसरा अपॉइंट किया गया होगा कोई। उसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। अब ये क्वेश्चन रैयतवाड़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया सर थॉमस मुनरो का, और दूसरी बात वो मद्रास के गवर्नर रहे तो वो भी एक टाइम पीरियड आपको मालूम पड़ गया, दो चीज़ें इसके अंदर निकल के आपको मिल जाएंगी, तो याद रखिएगा, एक तो ये कालरा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू करी, और सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे तो वो भी अब हमें पता पड़ गया कि वो रहे थे आपके 1820 से 1827 तक। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे, ठीक है, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, ठीक है, तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया पुस्तक के लेखक डब्ल्यू ए वॉल्टर एशलिन फेयर सर्विस थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद में बात करते हैं, अब ये देखिए मैचिंग वाला है, इसमें दिए गए हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी अगर दो भी याद होंगे तो आप इसे मिला सकते हैं। देखिए इसका एक तो हो गया प्रथम मैसूर युद्ध आपका, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। अब इसमें तीन तो कर्नाटक युद्ध है, अगर आपको मैसूर युद्ध याद है तो आप इन्हें अलग कर पाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए इसमें तो एक ही आप अगर पकड़ लेते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1, 2, 4, 3 है, ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए वाले का 1, 2, 4, 3 है, अगर आपको मालूम होगा तो आप इसे कर जाएंगे। ये देखिए 1, 2, 4, 3 है, तो इसके अंदर आपका जो हो जाएगा वो सी वाला आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका रहेगा कि ये मैचिंग करने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ के आपको बता देती हूँ पूरा। भारत में फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनियों की सेनाओं के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से प्रेरित था तथा एक्सलॉ चैपल की संधि से इस उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ था। देखिए टॉपिक क्या था कि अब इसमें मैचिंग पूछी गई थी, तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखने के लिए डायरेक्ट मतलब याद नहीं हो पाती हैं,
तो आप यहाँ से थ्योरी ले सकते हैं उसकी, ठीक है। तो भारत में जो फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनियों की सेनाओं के मध्य, यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों की सेना के मध्य में क्या हुआ था, कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, और यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी से प्रेरित था तथा एक्स लॉ चैपल की संधि से इस उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के मध्य हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग था, जिसका अंत 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि के साथ हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 to 1769 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था तथा अंग्रेजों को विवश होकर 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप ये सीधे सीधे कर सकते हैं कि अगर आपको ये मालूम था कि जो फर्स्ट वाला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो वो एक्स लॉ चैपल की संधि के अंत के साथ में ख़त्म हुआ था, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, तो ये आप कर पाएंगे। रादर देन कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर नहीं पता था तो फिर आपको मैसूर का युद्ध पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका इनका पेरिस की संधि के साथ में, फिर हो गया इनका अनिर्णायक युद्ध था, और एक है ब्रिटिश की हार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आर्ट के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, बट तुक्का मत लगाना, अगर पता है तभी करना वरना छोड़ देना, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं इसलिए। 22nd में है, पश्चिमी भारत के डी के करवे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इसके अंदर जो है, देखिए अब ये तो ये अलग अलग हैं, बट इसके अंदर ये बनते हैं आपके स्त्री शिक्षा और शिशु हत्या, बाल शिशु हत्या। तो भारत, पश्चिमी भारत के डी के करवे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो वो स्त्री शिक्षा और बाल शिशु हत्या के उसमें आता है। आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे काम करे थे इस रिलेटेड, इसलिए तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा है, ठीक है। अब ये सी और डी में से वो किस पे मार्किंग उन्होंने मार्क्स दिए हैं वो आप उसकी ऑफिशियल साइट्स पे देख सकते हैं, बट इसके दोनों ही आंसर जो हैं सही हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ठीक है, तो भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ जो है वो है आपका इसके अंदर आंसर नंबर ए, प्रख्यात इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने छत्रपति शिवाजी को भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य, ठीक है, कहा है। सरकार ने लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम मान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, ठीक है। तो इन्हें जो मतलब माना गया है द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी, तो वो माना गया है छत्रपति शिवाजी को, ये याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, ठीक है, अब इसमें पूछे हैं उनके प्रमुख नेता कौन थे, तो ये हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन इन्होंने किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बार रिपीट हो जाता है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका अल हिलाल एवं कामरेड के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और रफ़ी अहमद किदवई खिलाफत आंदोलन से पृथक रहे थे। चलिए देख लेते हैं देवबंद आंदोलन, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, ये कई बार देखा है, देखने को मिला है। देवबंद आंदोलन यूपी, यानी यूपी संयुक्त प्रांत पहले कहा जाता था, किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो ये आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा, 1866 से 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर स्थित देवबंद से देवबंद आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये सहारनपुर के देवबंद से हुआ था, इसलिए देवबंद आंदोलन इसे कहा गया, जिसका मुख्य जो एम था वो था मुस्लिम संप्रदाय को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार के करना। ये इस्लामी शिक्षा के हिमायती थे तथा अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे, ठीक है। तो ये देवबंद जो आंदोलन है ये सहारनपुर के देवबंद एरिया से हुआ था, और ये कब हुआ था, 1866 में, और ये थे इसके मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा इसको किया गया था। 66 से 67 तक ये आंदोलन चला था। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था?
तो इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो 1923 में पार्टी जो बनाई थी एक साथ मिलके, वो थी स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, सी आर दास कहा जाता है उन्हें, वो चितरंजन दास उनका पूरा नाम है, नाम था, ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने विधानमंडलों के चुनाव लड़ने तथा बिना विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की आलोचना की रणनीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 26 क्वेश्चंस। 27 देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहले जिसे मिलाया गया था वो थे सतारा। ठीक है, सतारा को याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे हम जानते हैं, वो विलय हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में सतारा का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। इसके बाद इस नीति के तहत 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर का, 1850 में बागाहाट का, 1852 में उदयपुर का, 1853 में झांसी का, 1854 में नागपुर तथा 1855 में करौली का विलय किया गया था। इसके बाद 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में हस्तगत किया गया था। 28 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? ठीक है, ये तो आई होप आप लोगों को याद ही होगा, ये जलियांवाला बाग का जो जनसंहार हुआ था, जो रॉलेट एक्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर जो मतलब अपना विरोध दिखाने का सबका तरीका था वो एक अलग था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो इन्होंने एक उपाधि दी थी नाइटहुड, उसको उन्होंने क्या करा था, रिटर्न कर दिया था। तो वही क्वेश्चन आ जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और आई होप आप लोगों को ये तो पता ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, अगर नहीं पता है तो अब आपको याद हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये था 13 अप्रैल 1919 के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। साथ ही शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरुद्ध वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो यहाँ से मिल जाते हैं आपको दो दो क्वेश्चंस, शंकर नायर का भी आपको हत्याकांड के विरुद्ध वायसराय की कार्यकारिणी से जो इस्तीफा उन्होंने परिषद से दिया था, काउंसिल से वो, और एक आपका नाइटहुड रिटर्न जो किया था, वो दोनों ही आपको इम्पोर्टेंट है, पता होने चाहिए। इसके बाद में देखिए, ये फिर से मैचिंग है, मैचिंग के लिए फिर कहूँगी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका जो है वो आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो ये देख लिया करो आप। अगर यहाँ पे ये दिख रहा है ए का 1 2 3 4 है तो मैचिंग हो जाती है इजी, आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि इसका कौन सा है। सम एक तो है आपका सम सम